अच्छा क्या बोलेंगे आप, जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीए एनआरसी को लेकर, क्या कहेंगे? सीए एनआरसी तो जो सरकार ने हमारे लिए जो काला कानून निकाला है, जो हम लोगों पे फन फैला के बैठा हुआ है, सबसे पहले तो हम उसको बायकॉट करते हैं, उसको सबसे पहले हमको उसको रद्द करवाना है। हम यहाँ अपने हक के लिए, हमारे संविधान के लिए बैठे हैं। ये सिर्फ मुसलमान की लड़ाई नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मज़हब के लोग हैं। यहाँ पर हमारे संविधान की लड़ाई है जिसमें हम सब आते हैं। यहाँ सिर्फ एक इंसान की लड़ाई नहीं है, जिसमें दलित है, फारसी है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, और बहुत से भाई लोग जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल में। बहुत हम शायद 2 या 3 निकले थे, पर आज हम 500 से 700 लोग हैं, और हम इस लड़ाई को तकरीबन जीतने ही वाले हैं। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं और हम इतनी दुआ करेंगे कि हम इस कोशिश में कामयाब हो जाएं। इसीलिए हम आज, हमारे अंदर जज्बा 100 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, तादाद को देख के, जो हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं उनको देख के वो सारी ताकतें हम में आ चुकी हैं। आज हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये काला कानून रद्द होना चाहिए, काला कानून नहीं चलेगा, एनआरसी सीए एनपीआर नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। हम यहाँ के नागरिक हैं, हमको नागरिकता ही चाहिए यहाँ की। हम यहीं के थे, यहीं के हैं और यहीं के रहेंगे। अमित शाह कहते हैं कि हम एक ही पीछे हटने वाले नहीं, उस पर क्या कहेंगे? उससे तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम खुद ब खुद एक इंच आगे बढ़ ही चुके हैं, और हम इंशाल्लाह 2 इंच और आगे बढ़ जाएंगे। ये हमारे अंदर का जज्बा है, वो ना बढ़े कोई बात नहीं, धीरे धीरे वो खुद ही पीछे हट जाएंगे और घर में भी बैठ जाएंगे जाके। हमारे अंदर इतना जज्बा है और हम इतना जानते हैं कि हम उनको उनके घरों में पहुंचा देंगे। हम इतने तैयार हैं, हम इतने कैपेबल हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए। हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हमको नागरिकता की ज़रूरत नहीं, हमको किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ के हैं, ये मातृभूमि हमारी है, ये मादर वतन है हमारी, यहीं पर जिए और यहीं पर मर जाएंगे। बस नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहेंगे? पता नहीं, शायद उनके पास कोई काम ही नहीं था, चाय बनाते बनाते यहाँ आ गए। तो मैं तो इतना ही उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेहरबानी करके जो काम छोड़ के आए वही काम वापस करने लग जाएं, क्योंकि आप हम लोगों को संभाल नहीं पा रहे हो। आपके अंदर वो लायकत ही नहीं है कि हाँ आप हम लोगों को संभाल सकें, आप उतने कैपेबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप जाहिल हो और हम कम से कम आपसे कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ तो पढ़े लिखे हैं, तो हम आपके हर सवालों के मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। और आप आ जाएं और सवाल कर लें। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता 3 तलाक पर बड़ा कहते थे कि हम मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाएंगे, अब इतनी मुस्लिम बहनें बैठी हुई हर जगह पूरे देश में, क्या कहेंगे? वो शायद खुद ही पछता रहे होंगे ये कानून निकाल के। ना आज वो ये कानून निकालते, ना हम माँ बहनें बाहर इतनी हिम्मत करके बाहर निकलते। उन्होंने बोला, उन्होंने ताकत दी कि 3 तलाक के मुद्दों पे आप बाहर निकलें, अपने शोहरों को, अपने जो खाविंद हैं उनके सामने लड़ें, डटे रहें, अपने हक के लिए लड़ें। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि जिनकी वजह से हम में इतनी हिम्मत आई है, जो सड़कों पर निकल के आज मेरी माँ बहनें जो हमारे साथ आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई हैं। 3 तलाक का मुद्दा तो वो चला ही गया, उसका कोई मतलब नहीं, ये हमारा संविधान है, हम यहाँ संविधान के लिए लड़ रहे हैं। और 3 तलाक का मुद्दा निकाल के उन्होंने हमको बहुत, कहीं ना कहीं बहुत ताकत दी है, लड़ने की हिम्मत दी है, जज्बा दिया है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमको प्रॉपर रिजल्ट मिल जाए, फिर हम यहाँ पर हम आकर इतनी मुश्किल से बैठ रहे हैं, हमारी माँ बहनें आ रही हैं अपना सब कुछ छोड़कर, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम बैठने आ रहे हैं,
अगर हमारी लड़ने की बात आएगी तो फिर हम लड़ेंगे, वो चार गोली चलाएंगे तो हमारे पास 8 इंसान खड़े हैं लड़ने के लिए, गोली खाने के लिए। भाजपा के नेता और अमित शाह ये कहते हैं कि जो CAA का विरोध कर रहे हैं वो पाकिस्तान की जबान बोल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? हम यहाँ पर नारा लगा रहे हैं हम लेके रहेंगे आजादी, तो हम पाकिस्तान के लिए तो आजाद हुए नहीं और ना ही पाकिस्तान में रह रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए ले रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और यहीं रहना चाहेंगे। अच्छा, ये आरोप लगता है कि आजादी, आजादी किससे आजादी चाहिए? नरेंद्र मोदी से, सबसे पहले तो उनसे चाहिए। और हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। शाहीन बाग में इस तरीके से आए दिन बीजेपी की कोई महिलाएं घुस जाती है, मीडिया जो है वो कुछ दलाल टाइप के पत्रकार घुस जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बस हम ये चाहते हैं कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वो दिल से इस चीज़ को अपनाएं, ना कि हम किसी को फोर्स कर सकते कि आप इस चीज़ को करें। अब वो गद्दार है तो हम ये नहीं बोल सकते कि आप ये चीज़ नहीं करें। जैसे कि हम प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं यहाँ पर अपने लिए, तो वैसे वो भी तो अपना काम करेंगे ना।